हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट दोस्तों आज हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में जिसमें प्रमुख हम लोग नॉन कन्वेशन और कन्वेशन सोर्सेज के बारे में डिस्कशन करेंगे और इनके डिफरेंसेस को समझेंगे बात करते हैं अ सोर्स ऑफ टाइप्स में तो अ सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ वन दैट प्रोवाइड्स एडुकेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन यूजबल फॉर्म ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो सोर्स है बेसिकली टू टाइप्स के नॉन कन्वेशनल और कन्वेसनल तो हम लोग बोलते हैं नॉन नॉन कन्वेशन का मतलब यहाँ पे हम इंडिकेशन कर रहे हैं कि दीज सोर्स ऑफ एनर्जी कैन बी यूज अगेन एंड अगेन नॉन कन्वेशन का मतलब यहाँ रखिएगा ध्यान रखिएगा दोस्तों कि दीज सोर्सेज ऑफ एनर्जी कैन बी यूज अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन कौन से होंगे नॉन कन्वेशनल होंगे जो कि एंड एंडलेस मैनर दीज कैन बी जनरेटेड कंटिन्यूसली इन नेचर एंड आर इन एक्सेंक्यूजबल नॉन कन्वेशन जो कि खत्म नहीं हो सकते कभी तो उनमें आएगा सोलर एनर्जी विंड एनर्जी टाइडर एनर्जी बायोमासर्जी और जियो थर्मल एनर्जी दीज आर द एनर्जी सोर्स आर नॉन कन्वेशन जो कि इनका हम लोग यूज कर सकते हैं अगेन एंड अगेन एंड अगेन नॉन कन्वेशन में यह सोर्स ऑफ एनर्जी कैन बी यूज अगेन एंड अगेन इन एन एंडलेस मैनर सोलर एनर्जी विंड एनर्जी टाइटल एनर्जी एनर्जी, जियो थर्मल एनर्जी दीज आर ऑल्सो नोन एज अ रिनुएबल सोर्स ऑफ एनर्जी तो नॉन कन्वेंशन एनर्जी सोर्स ये हमारे क्या कहलाते हैं री एनोबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी री नूएबल रीनोबल सोर्स रिसोर्स कॉन्सेप्ट है हमारे किसके अंदर आएंगे नॉन कन्वेशनल नॉन कन्वेंशन जो कि हम लोग बार बार उनका यूज कर सकते हैं जो ख़त्म नहीं हो सकते रिनोबल जबकि हम लोग बात करते हैं कन्वेंशनल तो ये दीज आर द एक्मिलेटेड इन नेचर ओवर अ लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम एंड कैन नॉट बी क्विकली रिप्लेसड वेन एक्सक्यूसड दीज आर नोन एज अ नॉन रिनस ये हमें रिन्यूबल नहीं कर सकते हैं इनको हम लोग बोलते हैं नॉन रिनबल तो नॉन रीनबल में आएंगे कन्वेंशनल जैसे कि कोयला हम लोग एक समय के बाद ये ख़त्म हो जाएगा पेट्रोलियम नेचुरल गैस और न्यूक्लियर फ्यूज एंड यूरेनियम एंड थोरियम तो दीज आर द नॉन रिनोबल एनर्जी रिसोर्स जो कि एक समय के बाद ये यूज़ करने के बाद ये खत्म हो जाएंगे तो दिज आर द कन्वेस्टनल सोर्स नॉन कन्वेंशनल में जो कि खत्म नहीं हो सकते है जिनको हम लोग बोलते हैं बार बार रिन्यू कर सकते हैं दैट इज़ अ रिनूबल एनर्जी सोर्स बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारा आता है कि डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल तो जैसे कि हमने डिस्कशन किया द डिबेकेशन बिटवीन कन्वे नॉन कन्वे इज द नॉट रिज इट द सोर्स विच आर नॉन कन्वेंशनल टूडे विल बिकम अ कन्वेल आफ्टर अ फ्यू ईयर्स फॉर आवर रेफरेंस द एनर्जी रिसोर्स विच आर कंसिडर्ड फॉर द लार्ज स्केल यूज आफ्टर नाइनटीन सेवेंटी थ्री ऑयल क्राइसिस आर कॉल्ड अल्टरनेट और नॉन कन्वेशन बात करते हैं आगे वॉट प्रमोटेड डेवलपमेंट ऑफ नॉन कन्वेशन एनर्जी रिसोर्स वॉट प्रमोटेड एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉन कन्वेशन एनर्जी रिसोर्स तो इसमें आता है कि द एनर्जी क्राइसिस विच बिगन्स in 1973 caused petroleum supplies to decrease and prices to rise very high. the crisis forced developing countries to reduce their important development program so that they could purchase to keep their economic operating. it created the urgent necessity to find and develop alternate in a non-conventional energy source. बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स की द वर्ल्ड इज फेसिंग अ सर्वर एनर्जी क्राइसिस विच हैज द ग्लोबल इकोनॉमी एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द इनवामेंटल सपोर्ट सिस्टम इसमें लोग बात करेंगे सीकिंग एनर्जी सिस्टम नॉट बेस्ड ऑन द फॉइजल फ्यूज तो इट इज़ द बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लोबल बायोसफेयर टू एब्जॉर्ब द इमिशन ऑफ अ फॉइजल फ्यूल बेस्ड एनर्जी सिस्टम एंड कंसेंट्रेशन ऑफ